जर्मनी में वर्ल्ड हेल्थ समिट का आगाज हो रहा है। WHO के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्विक ग्लोबल हेल्थ की चुनौतियों पर चर्चा होगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में 60 सेशन होंगे। वहीं दुनिया भर की 300 जानी मानी शख्सियत इस सम्मेलन में हेल्थ संबंधित विषयों पर अपनी बात रखेंगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य में निवेश, क्लाइमेट चेंज, फूड सिस्टम और हेल्थ पर इस समिट में विशेष फोकस रहेगा। वहीं इस समिट में शामिल होने के लिए भारत के 3 लोगों को न्योता मिला है, जिसमें निम्स के चेयरमैन बलवीर सिंह तोमर और भारत से ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ को खास तौर पर आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि जर्मनी में हो रहे इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर को भी संबोधन करना है। हाल ही में G7 समिट में जर्मन चांसलर ने वैश्विक हेल्थ पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। जर्मनी में हो रहे वर्ल्ड हेल्थ समिट में बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं UN महासचिव एंटोनियो गुटेरस, WHO प्रमुख डॉक्टर ट्रेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बूडी गुनादी सादिकिन भी वर्ल्ड हेल्थ समिट में शामिल होंगे। समिट का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल, वैश्विक स्वास्थ्य को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में बढ़ावा देना है। बहुत अच्छा लगा इस वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022 में मुझे WHO द्वारा इनवाइट किया गया। मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पूरे विश्व के सारे देशों से लोग आए हुए हैं, उनसे वार्तालाप चर्चा करके विभिन्न विषयों पे डिस्कस हो रहा है, डिस्कस कर रहा हूँ और सुनने का भी अवसर मिल रहा है। बड़े बड़े प्रवक्ता मौजूद हैं, उन सब के बीच में खुद बोलना और उनको समझना एक बड़ा अच्छा माइंड को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। किसी ज़माने में भारत में कम्युनिकेबल डिसीज का मारामारी हुआ करती थी, लेकिन हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विशेष ज्ञान से और उन्होंने विशेष प्रकाश डाला है, प्रभाव डाला है और योजनाएं बनाई हैं, इसमें आज भारतवर्ष में कम्युनिकेबल डिसीजेस करीब ना के बराबर हो गई हैं।